एसपीएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राहुल गांधी जो इन दिनों चर्चाओं में एक अलग ही रुख और अंदाज के साथ नजर आ रहे थे, आज उनका अंदाज एक अलग रूप में दिखाई दिया। आज वो यहाँ पर बीजेपी को लेकर के उनको लताड़ते हुए नजर आए, उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का एक ऐसा पिटारा खोल करके गुजरात में सामने रख दिया तमाम जनता के सामने की जनता भी अब उसे स्वीकार करती हुई नजर आ रही है, जिसको देख करके बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनावी प्रदेश गुजरात में अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली, 10 लाख नई नौकरियां सृजित करने और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। और यही वजह है कि तमाम बड़े बड़े वादे करते हुए इस वक्त वो मोदी के गढ़ में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सेंधमारी कर सके, और उनकी सेंधमारी को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। और लगातार देखा यही जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी लगातार अब कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस चुनावी माहौल के बीच एक तरह से राहुल गांधी का भी सफाया किया जा सके, क्योंकि राहुल गांधी जो वादे और यहां पर तमाम मुद्दे सामने लेकर के आ रहे, कहीं ना कहीं वो जनता के ही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जनता गुजरात में कांग्रेस को एक मौका दे सकती है, और इस मौके के इंतजार में विपक्ष में खड़ी बीजेपी घबरा गई है। और यही वजह है कि बीजेपी अब पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके यहीं पर मोदी सरकार को रोक दिया जाए और यहां पर कैसे भी करके जो है अपना परचम फिर से दोबारा उसी वर्चस्व के साथ लहराया जाए और आज के दिन की स्थिति को सुधारा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी मुकाबले में नहीं, दो दो पार्टियाँ मुकाबले में खड़ी है। अब दोनों पार्टी के सामने अगर बीजेपी का वोट बैंक जो है थोड़े थोड़े प्रतिशत भी अगर कम होता है तो इस बार बहुमत का आंकड़ा भी छू पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन। तो देखा आपने कि बीजेपी खेमे में यहाँ पर राहुल गांधी का ये बयान जो है एक अलग सरगर्मी तेज कर चुका है, और बीजेपी अपने ही गढ़ में सिमटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है। अब दोनों ही दलों से कैसे बीजेपी यहाँ बचेगी वो बेहद ही दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI News।